आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। शहर में टप्पेबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, फिर भी महिला पुरुषों को शिकार बनाया जा रहा है। बल्केश्वर से फिरोजाबाद का रास्ता पूछने के बहाने टप्पेबाजों ने रामबाग चौराहे पर ले जाकर महिला के कुंडल और अंगूठी लूट लिए। शहर में टप्पेबाजों का गैंग लंबे समय से सक्रिय है। एमजी रोड के साथ कई क्षेत्रों में घूम रही टप्पेबाजों की टोली महिला पुरुषों को शिकार बना रही है। बल्केश्वर महादेव मंदिर के पास की रहने वाली कविता पत्नी शंकरलाल मंडी में सब्जी खरीदने के लिए आई थी, लौटते समय टप्पेबाजों ने अपने जाल में फंसा लिया। पीछे से एक लड़का आ रहा था और 10 कदम आगे पीछे वो लड़का खड़ा होगा, मैंने नहीं देखा उसको। तो एक लड़का आ रहा था, कह रहा है वो फिरोजाबाद का रास्ता कौन सा है। जैसे मैं इधर शांति स्वीट इधर आ रही हूँ कपड़ा मंदिर की तरफ, तो वो भी इधर मेरी तरफ आ रहा था। तो मैंने कहा इधर नहीं है, सामने बल्केश्वर चौराहे पर टेम्पो मिलते हैं, आप उसमें टेम्पो में बैठ के जाओ। तो ये मुझे चौराहे पे टेम्पो पे बिठाया, अगरवन पे मैं उतरी तो मैंने अगरवन पे इनको कहा कि ये बस जा रही है इसको बिठा दो ना। तो कह रहा उनके पास इंशाल्लाह फिरोजाबाद जाएगा, कोई लूट के ले जाएगा, मेरा ही भला कर दो। तो वाटर पार्क से उन्होंने मेरे खूब चलाया पैदल। फिर एक गली थी, गली पे किसी के मकान बने होते हैं ना, तो 3 सीटियाँ थी, 2 सीटियाँ थी। बोला यहाँ बैठो, तो बोला ऐसे करो तुम ये अपनी अंगूठी दे दो ग्रुप के लिए, मैं अब लेके आपके बैग में ही डाल रहा हूँ। बल्केश्वर सब्जी मंडी से घर जा रही कविता को एक युवक ने रोककर फिरोजाबाद का रास्ता पूछा, महिला ने रास्ता बता दिया। इसके बाद शातिर महिला को गुमराह कर रामबाग चौराहे पर ले गए। भीड़ भरे चौराहे रामबाग पर शातिरों ने मां के इलाज के लिए लाए गए 4 लाख रुपए लूटने का डर दिखाकर एक रूमाल में रख दिए। इसके साथ ही महिला से भी कुंडल और अंगूठी रख लिए। बाद में दूसरा रूमाल देकर शातिर रफू चक्कर हो गए। उनके पास 2 रुमाल होंगे, उन्होंने मैंने 3 बार पर टॉप्स अपने पर्स में डाले, अंगूठी भी डाली, फिर उन्होंने निकलवाया रुमाल बांध के मेरे सामने डाला। अब उनके पास कोई 5 का सिक्का बंधा होगा और एक गोल्ड मोर का कागज बंधा होगा। रुमाल कैसे चेंज करा अपने जेब में से, वो दूसरा रुमाल डाल दिया और गोल्ड वाला रुमाल ले लिया। हाँ, फिर वो आपको वहीं छोड़ गए? नहीं, मेरे को मुझे अपना टाप कॉलोनी से मैं रामबाग तो चौराहे तक पैदल आई। नहीं तो वो फिर चले गए वहाँ से? तुरंत चले नहीं गए, कहा कि ये मंदिर है, 15-20 मिनट में तुमको यहाँ पर मिलना, और क्या कहते हैं इसको मैं खाना वाना खिला दूँ। मेरे पर्स में से 200 का नोट भी निकाल के। बाद में होश आने पर महिला ने रामबाग चौकी पर पहुंचकर पुलिस कर्मियों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने बताए गए हुलिये के आधार पर टप्पेबाजों को तलाशा, लेकिन हाथ नहीं आए। बल्केश्वर क्षेत्र में कई घटनाएं हो चुकी हैं, पुलिस ने कई टप्पेबाज जेल भी भेज दिए हैं, फिर भी गैंग सक्रिय है। थाना कमला नगर खुलने के बावजूद भी शातिर खुलेआम घूम रहे हैं। बल्केश्वर की कविता से गहने लूटने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें 2 टप्पेबाज दिखाई दे रहे हैं। सी न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।